मध्य प्रदेश के गुना जिले में बंजारा समाज के एक युवक के साथ रिश्तेदार द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया। युवक को रिश्तेदारों ने महिलाओं के कपड़े पहनाए और गले में जूते की माला पहना दी। इसके साथ ही उसके मुंह पर कालिक पोतने का भी आरोप है। ये पूरी घटना राजस्थान में घटित हुई। पीड़ित ने IBC 24 को आप बीती सुनाई, आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित ने क्या कुछ कहा। पीड़ित ने बताया कि मारपीट करने वाले लोग राजस्थान के 12 जिले के रहने वाले थे। मारपीट करने वालों में 10 से 12 लोग शामिल थे, इनमें एक महिला भी थी। ये लोग अपहरण कर व्यक्ति को पाटन झालावार अटरू ले गए और अमानवीय कृत्य करके वीडियो बनाया। सर, मेरा जीजा जी, हम दोनों काम कर रहे थे ट्रैक्टर में। जीजा ने 3 बजे, दोपहर की 3 बजे रही थी, मेरे को बोला अपन ठंडे पानी पी के आएंगे सैन बोट पे। तो हम सैन बोट के पेट्रोल पंप के पास सैन बोट पे नहीं पहुँचे सर, ओली तरफ से जीजा ने हाथ पैर बांध के जिम गाड़ी में मेरे को किडनेप करवा दिया सर। वहाँ लोगों ने मेरे को, उसकी लेडीज ने मूत भी पिलाया, चप्पल जूते की माला भी डाली सर, मेरा गंजा भी किया और उनसे डांस भी करवाया, काला मुंह भी किया। पीड़ित के चाचा की लड़की की शादी 1 साल पहले राजस्थान के 12 जिले में हुई थी। लड़की बिना बताए कहीं चली गई, जिसे ढूंढने के लिए लड़की के परिवार के लोग फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में सेंट बोट चौराहा पहुंचे थे। लड़की के न मिलने की नाराजगी से खफा लोगों ने कुछ इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम दिया। दारू पी के मेरी छोटी वाली भी उनको रात दिन मारता पीटता था, तो दूसरे साथ भग गई, तो सर उसके घर से भगी। वो बोल रहा लड़की को तू ला के दे। अब सर उसके पास से भगी, मैं लड़की कहाँ से ला के दूँ? हमने बोला आप भी ढूंढ भाई करो, हम भी ढूंढते। लड़की का पता नहीं है अभी लड़की कहाँ पे सर, क्या तो क्या मालूम उन्होंने लोगों ने बेच दी, कुछ के साथ किडनेप कर दी, लड़की का पता नहीं चल रहा सर, उसके कारण मेरे को पता नहीं। 5 दिन पहले की ये घटना है। पुलिस ने भी पीड़ित की फरियाद नहीं सुनी। जब पीड़ित अपना वीडियो लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा, तब मामला पुलिस ने संज्ञान में लिया। तत्काल गुना SP ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और फतेहगढ़ थाने में FIR दर्ज की गई। नीरज योगी, IBC 24, गुना।